Here we are leaving for our UK trip, UK tour. So, Indian blind football team. Here we are leaving for the airport at Kochi. Here's Dio, the man behind this team and for everything. Thank you, Dio. Thank you very much. Thank you. Thank you. So we are leaving for the airport. पहले हमारी सारी टीम जा चुकी है, हम दोनों यहाँ पर जा रहे हैं, सुरेंद्र मेरे साथ है और हमारे जो कैब के हैं सर, आपका नाम सीनू। और बड़ा अच्छा लगा फुटबॉल के लिए बातें की, ब्लाइंड फुटबॉल के लिए, और उन्होंने बेस्ट विशेस दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सीनू सर। सो हियर ऑल आर सपोर्टिंग टीम इंडिया। एंटरिंग कोची एयरपोर्ट को एंटर कर रही है टीम इंडिया और UK एंटरिंग द एयरपोर्ट at Emirates, Indian blind football team. क्या करेगा? Fly Dubai वाले की देते हैं। और बोर्डिंग पास के बाद में ये जा रहे हैं, ये रास्ते हो मेरे बगल में इंडियन टीम दया। अभी इमिग्रेशन कोर्ट टीम इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम। ब्लाइंड फुटबॉल टीम है दुबई, ये है दुबई, दुबई एयरपोर्ट में है हम लोग। और तीन घंटे 37 मिनट की और फ्लाइट लेके हम लोग आ गए। ये जा रही है टीम एयरपोर्ट में और विष्णु है सब मेरे साथ, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम। आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सो हियर इज इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम। सो हियर दे कम, हेड कोच सुनील जे मैथ्यू सर विद हिम शिवम नेगी, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम, सुजीत द गोलकीपर, हियर दे आर प्रफुल द सेकंड गोलकीपर। सो एट दुबई एयरपोर्ट दे आर वॉकिंग बैक। और ये इधर विष्णु है जो मेरे साथ है, ये बोल रहा है सर मैं तो हम लोग भी हैं कैमरे के पीछे में, चला जाओ भाई। ये जा रहा है धर्माराम भी है यहाँ पे, ये लोग बच्चा लोग है इसलिए इसमें जा रहा है, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट लोग हैं, हम चल सकते हैं, ये लोग VI है। अब ये दौड़ रहे हैं देखे। सो दिस इज इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम हेडिंग टू बर्मिंघम, UK टूर पे जा रहे हैं। विष्णु बड़ा एक्साइटेड है और ये देखो चल रहा है बिल्कुल साथ में। नाउ फ्रॉम दुबई टू बर्मिंघम इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम। एक बार फिर से दुबई एयरपोर्ट से अब बर्मिंघम की तरफ को बढ़ते हुए UK की तरफ को, अब है कम से कम 10 घंटे की फ्लाइट। अब भैया बैठे रहो और एक दूसरे से गपियाते रहो, थोड़ी देर बाद जिसको नींद आए सो जाओ। बाकी हेड कोच के ऊपर छोड़ दो, वो क्या कर रहे हैं वो प्लानिंग करते रहेंगे, बाकी सब चलते रहेंगे। दुबई एयरपोर्ट बोर्डिंग फॉर बर्मिंघम फ्रॉम दुबई।
दुबई एयरपोर्ट से अब जा रहे हैं बंगलोर में। कल एक लंबा है इंडियन फ्लाइट बहुत थी बोर्डिंग द फ्लाइट फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट। देखो जरा सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, उन्हें इस पे लिखना चाहिए क्योंकि जैसे हम इधर क्योंकि मान लो जैसे हमने ऐसे टच किया और स्पेस भी ज्यादा ना, ज्यादा हाथ पहला ही जाएगा और स्पेस स्पेस शायद ही कोई बिल्कुल यहाँ नीचे टच कर रहे थे कि लोग सिर्फ टच करेंगे पहन लेंगे, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निकालते रहता है इस वाले में है सर, ये यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर एल लिखा हुआ है। ओके, टाइम जब ज्यादा लगे तो उसके बाद में तो सियोम अपने काम में लग गया, सियोम ने लैपटॉप निकाल लिया, लैपटॉप में लगा हुआ है। जब मैं बात कर रहा था तो कह रहा था, बोल रहा है कि हिम्मत खान टाटा ट्रस्ट का सपोर्ट मिलेगा, तो सर बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, अब पता नहीं इसके क्या ड्रीम्स हैं क्या हैं। बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं ना, और अगर ऐसे साथ मिलता रहा तो सारे पूरे होंगे, सारे पूरे होंगे। तो ये है भाई टाटा ट्रस्ट हिम्मत खान पे विश्वास। गोलकीपर प्रफुल्ल साहब इधर आ गए, अभी देखो बगल में प्रदीप है, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉलर्स। अभी हमारा और टाइम बचा है 4 घंटे 11 मिनट और बचा हुआ है, तो फिलहाल हम भी कुछ कर लेते हैं इन्हीं के साथ। 2002, 2005, 2006 This is some but super, I have different feeling. To Birmingham on work. Okay, Indian blind football team has just landed in UK Birmingham sir, airport. हाँ बोलो। कैसा लग रहा है आपको इस बार कोच बन के लैंड इंग्लैंड आए हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीम लेके आए हो? जब टीम में आते थे 2002 में आए थे, उस टाइम मैं बस स्टूडेंट से काम शुरू किया था, एक साल में आ सका था मुझे, जब मैं काम शुरू किया था। उसके बाद 10 दिन के लिए आए थे, पहले मैं मोरक्को से आया था, मोरक्को में काम था, 10 दिन का गैप मिला मोरक्को से। मोरक्को पता है? यस सर, नॉर्थ अफ्रीका। यस सर, मुझे 10 दिन का गैप मिला और मेरे जो फ्रेंड्स थे पूरा पढ़ाई कर रहे थे, मैं आके अब सर अब आप जिन्हें लेके आए वो सारे पढ़ाई कर रहे हैं। फुटबॉल टीम में पीछे सब लैंडेड इन बर्मिंघम। Some fans following of Indian blind football team just met in the flight. He's born and brought up here. So here they are. एक्सेंट होगा सर, एक्सेंट एक्सेंट से पता चल रहा है। बर्मिंघम बर्मिंघम पहुंच गए हैं और बड़े लंबे समय के बाद हो गए और गुजरे हैं। इंडिया के हिसाब से आप लोग तो सो गए होंगे सब, 12:37 हो रहे हैं और हम अभी भी पहुंचे हैं कि यहाँ पर हो रहे हैं 7:32। सर्दी में अभी उजाला है और अभी भी उजाला है बाहर, हो रहे हैं गर्मी पीछे देखो बाहर, तो हम पहुंच गए फिलहाल। फाइनली वी आर बोर्डिंग बस फॉर आर होटल, होटल के लिए बस ले रहे हैं हम। टीम इंडिया सो फाइनली टेकिंग आवर बस फॉर होटल। सर हाउ फार इज द होटल? होटल इज 40 मिनट्स 40 मिनट्स फ्रॉम हियर, सो फ्रॉम बर्मिंघम इट्स 40 मिनट्स अवे। फाइनली सुजी सुजी टेकिंग बस। Thank you. Oh, thank you. Oh, you're about an hour and a half old. That's a long way to start.
तो बाहर है थोड़ा ठंडा है यहाँ पर बर्मिंघम में, अभी अभी 11-12 डिग्री है ऑलमोस्ट। चलो 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 अंदर चलो, गेट इन। हाँ हाँ गेट इन। सो फाइनली वी आर बोर्डिंग आर बस टू होटल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो चलते रहो। बाइक में लेफ्ट में सब सीट सब, यहाँ पे एक चीज है सीट बेल्ट पहनना है। यस सर, बस में सीट बेल्ट पहनना है, सब कुछ हुआ। सो वी बोर्डेड आवर बस होटल बड़ी थकान के बाद। अभी भी पहुंचे नहीं है, पहुंचते हैं धीरे धीरे। बज रहे 9 और हम निकल रहे हैं और 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर, 13 डिग्री। इतना इस तरह हमारे बस एक साल भी निकल सकता है यहाँ से, वो घोड़ा बस नहीं निकलता है यहाँ से। अब थोड़ा सा लाइट्स आने लग गई बाहर भी। होटल पहुँच गए हम बर्टन में। ये होटल बर्टन में है, वहाँ से 45 का ये होटल है हमारा, प्रीमियर इन ये होटल है। सो यहाँ पहुँच गया हम लोग अभी फिलहाल, ये स्टे है हमारा यहाँ पर। सो अब जाएंगे अंदर, ठंड है थोड़ी सी, ठंड होने लगी है, लगने लगी है ठंड, क्योंकि ठंड हो गई। ये होटल है हमारा यहाँ पर। फाइनली हम अपने रूम में पहुँच गए हैं और इस बार मैं रूम शेयर कर रहा हूँ धर्मा के साथ। है धर्मा, तो धर्मा राम है इस बार मेरे साथ रूम शेयर कर रहा है। धर्मा जी सर, पहली बार हम लोग रूम शेयर कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल सर। तो मजा आएगा मतलब, हाँ बिल्कुल सर। खेलना है और मस्ती करनी है बस। तो ये रहा धर्मा मेरे साथ रूम शेयर कर रहे हैं हम दोनों, यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं धर्मा के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ। सो फिलहाल ये है हमारा रूम, होटल प्रीमियर इन, यहाँ हमारा स्टे है। और फिर उसके बाद गेम्स के लिए भी आपको लेके जाऊँगा वेन्यू पे। एक रूम का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये है एंट्रेंस। जैसे ही एंट्रेंस से अंदर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हैंगर्स है और यहाँ पर मिरर और नीचे ड्रायर, फिर ये आपका हैंगर्स है। यहाँ पर चाय का सारा इंतज़ाम है, चाय कॉफ़ी का ये है। और पिंस यहाँ पर जितनी हैं ये सब फ्लैट पिंस है, फ्लैट पिन काम करती हैं। कहीं पर भी आप पॉइंट देख लोगे सब वो ये फ्लैट पिन। ये टेबल है एक, जहाँ पर लैम्प है, ये LED है, और उसके बाद में वाईफाई पूरा बढ़िया ये है। यहाँ से विंडो है, बाहर का व्यू है। वैसे रात हो गई है लेकिन फिर भी एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नीचे पार्किंग सामने, और ये धर्मा, और सामने बिल्कुल, और एक है दूसरा। यहाँ पर रहूँगा मैं फिलहाल, ये वॉशरूम की तरफ। यहाँ से पूरा देखोगे आप हर चीज़ ऐसा ही है। तो यहाँ पानी का सिर्फ ऊपर है इंतज़ाम, नीचे टॉयलेट पेपर्स। तो धर्मा बोला सर ये क्या, मैं जी ऐसा ही है यहाँ तो। और उसके बाद में चलिए अब हम करते हैं आराम। फिलहाल ये जर्सी हमने लगा दी है यहाँ पर, और क्योंकि अब खेलना है हमको जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। ये देखिए IBFF और इंडिया, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो कल से, यानी कि अभी है तो कल से हम ग्राउंड में थोड़ा सा कल ओरिएंटेशन करेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम फिलहाल पहुंच चुकी है इंग्लैंड में, और हम हैं बर्टन में, ये होटल है, और बर्मिंघम में हम लैंड किया था हमने, और हम पहुंच चुके हैं बर्टन जहां पर ये प्रीमियर इन हमारा स्टे है।